चलिए आइए आगे देखते हैं कि आगे कौन सी संख्या है। अब प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो तरह से कोई पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर, इतना सिर्फ ध्यान देवे के बाद, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या, किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखा अपना भाषा में याद रखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक या अपने आप को छोड़कर, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, दो। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, दो। देखा परीक्षा में गुम कैसे करा, बड़ा बड़ा परीक्षा में पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, दो। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, दो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य भी, किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दो। अब तरह परीक्षा में पूछेला कि एक से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो कोगो अभाज्य संख्या बा 25, कोगो बा 25। एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। अभी याद ये भी ध्यान रखिए, एक से 50 तक 16, एक से 50 तक 16, और 51 से लेकर 100 तक को बोले 9 गो, को बोले 9 गो। बहुत ध्यान रखे के बाद कि कोई पूछ दी एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 25। और एक से लेकर 50 तक कितनी होती है, 16। एक से 50 तक कितनी होती है, 16। और 51 से लेकर 100 के बीच कितनी होती है, 9। 51 से लेकर 100 के बीच कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दो। एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। एक से लेकर 50 तक कितनी होती है, 16। और एक से लेकर 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 9। समझ में आई। अब देखो तो अभाज्य संख्या कोई पूछी किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो अभाज्य संख्याओं में अंतर निश्चित नहीं है, अभाज्य संख्याओं में अंतर निश्चित नहीं है। देखो कहीं एक के बाद, कहीं दो के बाद, कहीं चार के बाद, समझ में आई। स अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मसा क्या हो, 1। जिन दो संख्याओं का मसा HCF कितना हो, 1 हो उसे क्या कहते हैं, स अभाज्य संख्या कहा जाता है, या जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिन दो संख्याओं का मसा कितना हो, 1 हो। जिन दो संख्याओं का मसा कितना हो, 1 हो उन्हें क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16 भी आ जाए, 9 और 16 भी आ जाए, क्योंकि दोनों के मसा निकलब तो कितना हो, 1 हो। ठीक है, हटे सअभाज्य संख्या।
17 और 29 का भी मसा निकलबो तो का होई एक होई। समझ में आए? तो परीक्षा में बहुत पूछेला कि अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, एक होता है। अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, एक होता है। और अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, तो उनका गुणनफल ही क्या होता है, लसा होता है। यानी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लसा, यानी कि लघुतम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लघुतम। तो तरह से कोई पूछे कि अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, एक होता है, और अभाज्य संख्याओं का लसा कितना होता है, उनका गुणनफल होता है। क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। और परीक्षा में पूछेला अभाज्य संख्याओं को कितना गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, तो दो, वो एक से कटी और अपने आप से कटी। देखा, ध्यान रखे के बाद कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, दो, उसके बाद तीन, उसके बाद पाँच, उसके बाद सात, सात के बाद ग्यारह, नौ, नौ, नौ विषम संख्या होगी, कहेंगे नौ तीन से कटी, तो बोले तो एक से कटी और अपने आप से कटी। समझ में आई? अब देखो, 59 53 कोनो पहाड़ा में आवेला, 53 59 कोनो पहाड़ा में आवेला, 61 कोनो पहाड़ा में आवेला, 67 कोनो पहाड़ा में आवेला ना, 56 67 67 कोनो टेबल में ना आवेला। समझ में आई? तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, अभाज्य संख्याओं का कितने गुणनखंड होते हैं, दो, अभाज्य संख्याओं का कितने गुणनखंड होते हैं, दो, अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, एक, और अभाज्य संख्याओं का लसा कितना होता है, उनका गुणनफल। आई, अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, तो ऑप्शन में दिले रही उन संख्याओं का गुणनफल। समझ में आई? स अभाज्य संख्या, यानी कि जिन दो संख्याओं का मसा वन हो, जिन दो संख्याओं का मसा क्या हो, वन हो, उन्हें क्या कहते हैं, स अभाज्य संख्या। परीक्षा में आज इनमें से चुनिए कौन स अभाज्य संख्या है, या ऑप्शन में दे दे इनमें से चुनिए कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक बार ऑप्शन के भी क्या रखे के बाद, ध्यान रखे के बाद, और प्रश्न के पूरा पढ़े के बाद, प्रश्न के क्या करना है, पूरा पढ़ना है, नहीं तो लास्ट में बोल देगा इनमें से कौन नहीं है, इसलिए प्रश्न को अच्छा से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। तो जिन दो संख्याओं का मसा क्या हो, वन हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या अभाज्य, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। और जब भी रूढ़ संख्या के बात आ जाए तो क्या कहा जाए, अभाज्य संख्या। तरह से कोई पूछे रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो रूढ़ संख्या के मतलब समझो अभाज्य संख्या। तो रूढ़ संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, दो, एक या अपने आप। परीक्षा में तरह के गुम करे के भुलवावे की कोशिश करे तो तरह भुलाए के नहीं, के हमेशा ध्यान में रखे के। समझ में आई? तो यौगिक संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होती है, चार। और स अभाज्य संख्या समझ गईला, स अभाज्य संख्या जिनका मसा क्या हो, वन हो, और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो।